हेलो गाइस, मेरा नाम है उजैर और मैंने अपना नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया जिसका नाम है दैट्स ऑल आई गॉट। और उस चैनल पर जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और उस चैनल पर आपको फनी वीडियोस मिल जाएंगे, वायरल वीडियोस और अनबॉक्सिंग वीडियोस, एक्सप्लोरिंग ब्लॉग, सारे टाइप के वीडियोस मिल जाएंगे। और खुशहाल भाई की ये वाली चैनल को भी जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। बाय। पाँव के लड़खड़ाने पे तो सबकी है नजर, सर पे कितना बोझ है ये कोई नहीं देखता। मैं देख रही हूँ ना। कोई नहीं देखता। मैं देख रही हूँ ना, मैं तेरी बहन हूँ बहन। हाय दोस्तों, मेरा नाम है कुशल और मैं शिल्पी। आज हम ये करने वाले हैं मेक जोक ऑफ की वीडियो। ऑफिस मीटिंग। So it's a office story of an office video। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यहीं से लाइक कीजिए, इधर ही अभी अभी अभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। 3 2 1। शीतल इंटरप्राइजेस की फाइल गायब है, किसी को मालूम है कहाँ है? हमको दे गए थे क्या? कौन बोला? राजा। कम बोला करो थोड़ा राजा। मस्ती तो आ रही थी हमेशा। अरे हम बताए इधर देखो, सच्ची है मैडम का यहाँ घर में रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए आए हैं। रिनोवेशन का काम चला तुम कहो कहीं जगह नहीं लेके। देवी महारानी या तो फाइल ढूंढो या तो दूसरी नौकरी ढूंढो। हम क्या करेंगे तब?
सर हमको लगता है कि फाइल नीचे वाले केबिन में। अरे क्या बंद रहा था, एकदम बंद करो ये, समझाओ इनको थोड़ी देर। उधर रहो बेटे, आओ इधर आओ, इधर आओ। देखो बड़े को मारा नहीं जाता, ठीक है, बड़े लोगों को मारा नहीं जाता। चली गई थी जहाँ पे वर्क में जब लोगों के ऊपर बहुत स्ट्रेस था, जैसे कि आज वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि पैरों का लड़खड़ाना तो हर कोई देखता है लेकिन सर पे कितना बोझ है वो कोई नहीं देखता। ऑफिस में अभी जो वर्क कल्चर हो गया है, काम करो काम करो काम करो, ठीक है काम करना चाहिए और करना भी चाहिए, वो ज़रूरी है, दैट्स अ ड्यूटी एंड वी हैव टू परफॉर्म इट, बट स्ट्रेस जो आता है वो नहीं होना चाहिए। और जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वो ध्यान रखें कि अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, क्योंकि मैं HRM भी पढ़ाती हूँ, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ध्यान रखें, उनको वर्क सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, जॉब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। मैं लेक्चर वाले उसमें गुजरी हूँ बट ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एम्प्लॉय के मन में ऐसा आता है कि छोड़ के कहीं और चला जाए, उनका लेबर टर्नओवर रेशियो बढ़ जाता है, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो बढ़ जाता है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इंसान बड़ा हो या छोटा हो आपने उसकी इज्जत करनी है। तो इसमें वो जो पार्ट दिखाया ना कि एक छोटा बच्चा एक बड़े आदमी को भी थप्पड़ लगा देता है, वहाँ मुझे थोड़ा एक सेटबैक सा फील हुआ कि छोटे से बच्चे ने भी एक बड़े उम्र के एम्प्लॉय को मार दिया, थप्पड़ मार दी, या उसको राजा बजा तो तेरा बाजा ऐसा कुछ तो किया। वो तो for, भले वो फन में वीडियो में बड़ा फनी लगा लेकिन अब मान लो ये चीज़ रियल में अगर होगी ना तो ये बहुत पीड़ादायक होगी और बहुत इंसल्टिंग होगी उस व्यक्ति के लिए जिसपे ये बीतेगी। तो वी शुड नॉट फॉरगेट आवर कल्चर, हमें अपना वो संस्कार नहीं भूलना चाहिए। जैसे कि मैंने भी जैसे गेस किया कि जॉब छोड़ देगा, क्योंकि मुझे भी लगा कि वो जॉब रियल टीम में अगर तक बॉस का लड़का मारता भी है वो भी सबके सामने और लेडीज भी बैठी हुई थी उसके सामने भी पड़ गई तो लेडीज नहीं लेडीज इज मेनी लेडीज, सिंगल लेडीज, सिंगल एडिट
वहाँ पे लेडी भी बैठी थी लेडी भी बैठी थी लेडी ऐसे बैठी थी ऐसे नहीं बैठी थी तो मेरी मेक जोक्स ऑफ की जो वीडियोस होती है वो 2-3 मंथ्स में एक वीडियो आती है और उस हिसाब से इतना वेट करने के बाद ये वीडियो मुझे लगता है कि काफ़ी सेटिस्फाइंग नहीं था कि जितना वीडियो था वीडियो एक इतना अच्छा था पर इतना वेट कराने के बाद जो एक छोटा जैसे मेक जोक ऑफ स्टार्टिंग में सबसे फास्ट ग्रोइंग 1 मिलियन चैनल था क्योंकि उसका कंटेंट वैसा था तो उस लेवल की ये वीडियोस नहीं है। काफ़ी लोग फैंस उनके निराश हो जाते हैं कि हम बोल कैसे बोल देते हो बैठे बैठे तुम बोल देते हो पर ये हमारा जो हमको फील होता है जो हमारे कमेंट्स है यही कमेंट्स है इस वीडियो के ऊपर। मैं तो एक अलग डायमेंशन में चली गई थी क्योंकि वो ऑफिस कल्चर का और ऑफिस का स्ट्रेस क्योंकि मैं खुद एक वर्किंग वुमन हूँ तो मैं समझती हूँ कि वर्क काम का कितना स्ट्रेस होता है और ये जो हमारी वीडियोस में भी इतनी डिले होती हैं वो कुशल से कम मेरी वजह से ज़्यादा डिले होती हैं। आई एडमिट एंड आई अग्री टू दैट। और बात करेंगे कि वीडियो की तो उसमें एक यही चीज थी कि एक फाइल थी जो घूमी हुई थी और बाजू में थी एम्प्लॉइज मैन एम्प्लॉइज इतने इरिटेटिंग थी लाइक मेक जोक ऑफ का एक ना एक वो रहा है ट्रेंड एक पैटर्न रहा है कि इरिटेटिंग उसमें इरिटेटिंग वाले इरिटेट करते हैं वैसे करेक्टर्स वो हमेशा यूज करते हैं तो इसमें एम्प्लॉयज जो थे वो इरिटेटिंग थे कि कलर बता दिए होते तो पहले पता निकाल देते पीले रंग की फाइल ये है नॉनसेंस तो ये उनका जो पैटर्न है स्ट्रक्चर है वीडियो का ये हमेशा उनकी हर वीडियो में मैं हर बार देखती हूँ कि एक बंदे को हर कोई इरिटेट करता है छोटी आती है तो और ऐसे बहुत सारे जो शॉप्स होंगे जिनके मतलब दुकान होंगे उनकी भी फैमिलीज कभी ना कभी वेकेशंस में बच्चे आते हैं वाइफ भी आ जाती है कभी तो तुझे अच्छा नहीं लगता हम लोग आते हैं तो बोल तो नहीं आएंगे नहीं तो वो सही था कि हाँ वाइफ आती है आओ घर आओ दुकान में तो चलती किसकी है हमारी चलती है वेल ये रहा शॉर्ट सा वीडियो काफ़ी रिक्वेस्ट करते हो मेक जोक ऑफ की वीडियोस के लिए तो ये रिएक्शन था हमारा मेक जोक ऑफ की वीडियो पे फिर से करेंगे लाइक नहीं किया तो यार लाइक करो वीडियो को और मिलते हैं अगले वीडियो में टेक केयर बाय बाय सी यू नेक्स्ट वीडियो।